चुनाव है उससे पहले हम हलाल से लेकर के हनुमान चालीसा तक पहुंच चुके हैं, लाउडस्पीकर से लेकर के बुलडोजर तक पहुंच चुके हैं। अब विध्वंसकारी यानी कि डराने वाली बातें भी समाज में उठाई जाने लगी हैं। क्या कहेंगे इस पे और ये हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या इसके हिसाब से कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो सही राह है? कुमार जी आवाज आवाज खोल लीजिए। जी राजीव जी, जो राजनीतिक परिस्थिति बीते कुछ सालों से बनी है उसमें वन पार्टी सिस्टम नहीं होते हुए भी वन पार्टी सिस्टम के रूप में बीजेपी उभरी है। अब एनडीए जैसी बात नहीं है जैसा प्रशांत सर कह रहे थे। तो अभी अगर हम जहांगीरपुरी में देखें, जहां से प्रशांत टंडन सर ने भी बात शुरू की थी, तो वहां तिरंगा के तले, तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसके तले लोग इकट्ठा हुए। तो तिरंगा आज भी वो ताकत है, हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उसके नीचे हम इकट्ठा हो सकते हैं, होते रहे हैं, ये बात वहां से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा ऐसा ध्वज नहीं है और भगवा तो कतई नहीं है जिसके तहत सबको इकट्ठा किया जा सके। तो ये जो स्थिति है यही से उम्मीद भी है। जो समाज बटा है उस समाज को जोड़ने की उम्मीद इसी तिरंगे से है, यानी राष्ट्रीयता। और हम राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, राष्ट्रीयता का करते हैं। राष्ट्रवाद एक डिफरेंट सोच है, वो विभाजनकारी सोच है, उसका राष्ट्रवाद के मतलब भी अलग है। आमतौर पर जब हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रवाद को लोग देशभक्ति बोलते हैं। अगर ऐसी समझ है तब मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, देशभक्ति अगर इसका मतलब है। लेकिन राष्ट्रवाद एक अलग सोच है जिस पर एक पार्टी चलती है, एक साझा संस्कृति हो, साझा संस्कृति, साझा समुदाय, साझा क्षेत्र, यानी विविधता को नकारता है राष्ट्रवाद। इसलिए खैर वो आज का विषय नहीं है। अगर हम इस पर जब लौटे तो देखें कि हमारे देश में जो सियासत है वो सियासत किसी समय कांग्रेस मुक्त जैसे नकारात्मक नारे के तहत आ गई, लेकिन फिर उसमें आरएसएस ने संशोधन किया, सुझाया कि नहीं ये सही रास्ता नहीं है, कांग्रेस मुक्त नहीं होना चाहिए। और इसने तब सुझाया जब कांग्रेस तीन बड़े राज्यों में चुनाव जीत गई और लगा कि ये नारा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, उल्टा भी बैकफायर भी हो सकता है, तो आरएसएस ने उसमें सुधार किया। अभी जो स्थिति है कांग्रेस के लिए देखा जाए तो कांग्रेस के लिए विचार के स्तर पर लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। और उस सोच से जिस पर बीजेपी चल रही है उसका काउंटर देना पड़ेगा। काउंटर में आप देखें जिस बीजेपी हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपने आप को की राजनीति को ले जा रही है। अब ये हिंदुत्व में भी एक खास बात है, हिंदुत्व हालांकि राहुल गांधी जी ने अपने हिसाब से हिंदुत्व को परिभाषित किया था कुछ समय पहले राजस्थान में रैली के समय, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन हिंदुत्व की राह में दो बातें हैं, एक तो सबको जोड़ता है हिंदुत्व, ये भाव है, और एक है कि हिंदुत्व विभाजनकारी, दूसरों को अपने से अलग करता है, वो है। तो 80-20 का नारा जिसमें आता है वो हिंदुत्व है। जब हिंदुत्व का जो पॉजिटिव पक्ष है उसको लेकर के जो आज तक देश चला, सब लोग चले, उससे किसी को विरोध भी नहीं है। लेकिन ये जो नेगेटिव पक्ष है जिसमें हम 80-20 करते हैं, जिसमें हम हेट स्पीच देते हैं, जिसमें हम दो राष्ट्रीयता की बात करते हैं और उसमें हिंदुत्व को एक राष्ट्रीयता के तौर पर खड़ा किया जाता है, जैसा कि आपने प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुनाया कि एक राष्ट्र बन गया है मुस्लिम के आधार पर, तो ये जो राष्ट्र है हमारे आधार पर है, उसका मूल भाव यही है, ये दो राष्ट्र का सिद्धांत है। तो ये जो हिंदुत्व है जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत का पैरोकार है, इस विचार से लड़ने के लिए कांग्रेस को संघर्ष करना है। और ये संघर्ष करने के लिए कांग्रेस को कोई नया विचार नहीं देना है, ये विचार हमारे हिंदुस्तान की रगों में है, हमारे आपके खून में दौड़ रहा है ये विचार। उसको कैसे समझा पाया जाए, कैसे जोड़ा जाए, ये कांग्रेस को मेहनत करनी है। तो इसमें बीजेपी जो जिस एजेंडे को लेकर चल रही है वही एजेंडा मदद भी करेगी। अगर कोई कह रहा है कि हनुमान चालीसा
हम जाकर के मातोश्री के सामने पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा हम मस्जिद के सामने पढ़ेंगे, और इसके बाद ये कहा जाता है कि क्या हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह का मामला लगेगा? तो यहाँ पर समझने और समझाने की भी जरूरत है, लोग समझ भी रहे हैं और समझाए जाने की जरूरत है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं गया हो उसके लिए राजद्रोह तो नहीं लगा होगा। कम से कम राजद्रोह अगर हनुमान चालीसा मातोश्री के सामने पढ़ा गया होता तब तो हम कह सकते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण राजद्रोह लगा। लेकिन यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजद्रोह का जितना दुरुपयोग इस देश में हुआ है उतना किसी दूसरी कानून की धारा का नहीं हुआ है। ये पार्टी छोड़ दीजिए, मैं इस राजद्रोह के लगाने के पक्ष में कतई नहीं। अरे जनप्रतिनिधि जो सांसद है जो विधायक है उन पर क्या राजद्रोह लगना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। और इससे पहले भी जो राजद्रोह के मामले लगे हैं, चाहे हार्दिक पटेल पर लगे, कन्हैया कुमार पर लगे, या वो हाथरस की घटना कवर करने गए पत्रकार पर लगे, या हमारे विनोद दुआ साहब को लगे राजद्रोह का मुकदमा, उन्होंने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश लेकर आए और वो आदेश कम से कम लंबे समय तक पत्रकारों को प्रोटेक्शन देता रहेगा, ये भी एक प्रमुख जीत थी। तो हम इसका जिक्र करना जरूरी था क्योंकि बड़ा बड़ी गफलत होती है। हमें शिवसेना और बीजेपी, कांग्रेस या बीजेपी, इस विवाद में जो सच्चाई का पक्ष है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको बुलंदी से बोलने की जरूरत है कि सरकारों को जो सत्ता में होती हैं वो राजद्रोह का दुरुपयोग बंद करें। और पिछले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो राजद्रोह खत्म कर देंगे, उसको नेगेटिवली उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया था कि कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। लेकिन उस सोच के साथ आज भी बने रहने की जरूरत है कि हम सत्ता में आएंगे तो राजद्रोह को खत्म करेंगे, ये इस सोच के साथ लड़ाई। तो जहां पर बीजेपी लड़ रही है गलत पिच पर जाकर के दुर्भावना फैलाते हुए, वहीं से एक उम्मीद की किरण भी निकलती है कि हम सच बात बोल करके उस पिज्जा को तोड़ सकते हैं, उस पिज्जा को फाड़ सकते हैं। यही कांग्रेस के लिए चुनौती है, संगठनात्मक कमजोरी उसकी बनी हुई है। मैं बारंबार कहता हूं कि कांग्रेस को अपने संगठन के चुनाव पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, तब क्योंकि आज जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं ये निर्णय हम नहीं मानते कि लोकतांत्रिक तरीके से जो कांग्रेस आने वाले समय में चुनकर आएगी उसका निर्णय होगा, ये उससे पहले के निर्णय हो रहे हैं। अच्छा होता कि पहले लोकतांत्रिक चुनाव कराते और उसके बाद वो जब 2024 की रणनीति बनाते तो वो कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिकली और प्रभावशाली होता, क्योंकि लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होता, ये मेरा मानना है। जी